संभल के। किसी भी मायावी चक्र पे पैर मत धर देना, वरना पाताल में गिर जाओगी। यहां से। अरे वहां नहीं, वहां। अब इस तरफ। नहीं नहीं, संभल के संभल के, अब इस तरफ से आओ। और अब यहां से अंदर। ये क्या कर रहे थे आप? तुम्हें नृत्य का शिक्षण दे रहा था। अच्छा नृत्य कर लेती हो। अर्थात ये मायावी चक्र नहीं है? नहीं, युद्ध के लिए व्यू रच रहा था। व्यू कैसे रचा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, उसका विचार कर रहा था। ये क्या है? चक्रव्यूह। मुझे समझाओ ना। तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हें निद्रा आ जाएगी। मेरे भ्राता कृष्ण कहते हैं, जो भयभीत होता है वो व्यू रचना करता है, और समर्थ उस व्यू को तोड़ता है। तुम्हारे भ्राता कृष्ण स्वयं को बहुत अधिक ज्ञानी मानते हैं क्या? नहीं, दूसरे उन्हें बहुत अधिक ज्ञानी मानते हैं। किस कार्य से आई थी? मैं आपसे पूछने के लिए आई थी, आपने जो रागिनी बजाई थी उसका नाम क्या था? क्यों? वो बहुत सुंदर थी, अब तक कानों में रम रही है। हृदय में बहुत शीतलता प्राप्त हो रही थी जब मैं उसे सुन रही थी। युद्ध कर रहा था, शीतलता का नहीं। ओ। शीतलता हमेशा राग में हो ये आवश्यक नहीं, कभी कभी सुनने वाले की मन की स्थिति ऐसी होती है। कहीं किसी यादव युवान के प्रेम का स्मरण तो नहीं कर रही थी आप? बस इतना ही कार्य था, अपने यादव कुमार के लिए युद्ध का राग सीखकर नहीं जाओगी? भ्राता कृष्ण ने आपके लिए भिजवाया है। ये क्या है? मैं नहीं जानती, भ्राता कृष्ण ने कहा कि अगर आप इसे अपने पास रखेंगे तो आपके काम आएगा। सुनिए, आप युद्ध में सबसे आगे तो नहीं रहेंगे ना? अवश्य सबसे आगे रहूंगा। सबसे आगे।